सर एक तो थाना कनौली क्षेत्र में विगत दिनों में हत्या हुई थी, क्या कुछ जानकारी मिली होगी? दिनांक 31 जुलाई 2021 को थाना क्षेत्र कंदौली में एक मर्डर का प्रकरण सामने आया था, जिसमें मृतक सुमित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें मुकदमा धारा 302 और 34 आईपीसी के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया था। चार लोग नामजद किए गए थे इस मुकदमे में। पहला व्यक्ति सुखवीर उर्फ भोला, दूसरा एक बालाचारी, तीसरा सोमवीर परमार और चौथा छोटू। जो घटना के संबंध में जानकारी इकट्ठा की गई, पूरी छानबीन की गई, ये मालूम चला जो विवाद का कारण था जिसकी वजह से ये फायरिंग करके मर्डर किया गया, एक तालाब वहाँ पे है घटनास्थल के पास ही, तालाब की मेड़ टूट गई थी। उस मेड़ को जोड़ने के लिए वहाँ पे जब ये लोग इकट्ठा हुए, वहाँ पे इन दोनों के बीच में हॉटटॉक हुई। पहले से भी इनके बीच में विवाद चल रहा था, जो डिस्प्यूट का कारण है वो पुराना है, लेकिन उस समय जो तालाब वाला इश्यू आया वो एक क्रिटिकल पॉइंट हुआ, जिसपे हॉटटॉक हुई, उसमें इन लोगों के बीच झड़प हुई। इसके बाद जो इसमें सुखबीर और भोला है, इसने अपने पुत्र बालाचारी को कहा कि मुझे अपने सामने पिटता हुआ देखेगा क्या, तमंचा लेके आ। इस पे जो इसका पुत्र है अंदर से तमंचा लेके आता है 315 बोर का, उस तमंचे से फायर करता है जिससे कि सुमित को गोली लगती है। इसको सुमित को तत्काल वहां से उसके परिजन अस्पताल ले जाते हैं, जिसके रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसमें जो घटना स्थल पे इन लोगों के अलावा भी जो वहां पे और गांव के स्थानीय लोग थे, उन्होंने कुछ वीडियो भी बनाया है। उस वीडियो को परीक्षण किया गया, जो आसपास के लोग थे सबके बयान वहां पे नोट किए गए हैं। जो चार नामजद व्यक्ति किए गए हैं, इसमें अभी फिलहाल तीन लोग की वहां पे घटनास्थल पे मौजूदगी के पूरे साक्ष्य पाए जा रहे हैं, जिसमें सुखबीर उर्फ भोला, जिसका भाई सोमवीर परमार और सुखबीर उर्फ भोला का बालाचारी लड़का, इन तीनों की घटनास्थल पर पुष्टि हो रही है। जो चौथा व्यक्ति है सोमवीर परमार की